हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खाना खजाना विश्वाति पवार में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मटर और पालक की एकदम खस्ता करारी पूरियां। तो चलिए दोस्तों, हम पूरियां बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया है एक कटोरी मटर ले लिया है, इसे अच्छे से छील लिया है। दो हरी मिर्चे ले लिए हैं, थोड़ा सा पालक ले लिया है। तो मटर पालक की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें हम मिक्सर जार में पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं, और बॉईल नहीं करना है तो आप इसे फ्रेश भी ताज़ा भी ले सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पे एक जार ले लेंगे, मटर को डाल देना है, सारे मटर को डाल देंगे हम। हमने यहाँ पे दो मिर्ची ले लिए हैं, आप चाहे तो मिर्ची ज़्यादा भी ले सकते हैं। इन्हें बारीक बारीक करके इस तरीके से कट कर देंगे। हमने यहाँ पे थोड़ा सा 3 से 4 लहसुन की करिया ली है, इससे पूरियों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे पालक, पालक को डाल देना है इस तरीके से सारी पालक को डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके का हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है, एकदम फाइन। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लेना है सारे मिक्सर को। देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी रेसिपी होने वाली है। मटर का सीजन चल रहा है अभी, मटर बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है मार्केट में। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमने यहाँ पे एक कटोरी के करीब गेहूं का आटा ले लिया है, इसे डाल देना है। और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसमें, नमक से इसका टेस्ट और भी अच्छा रहेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बैटर था हमारा वो थोड़ा सा गीला है, इसलिए इसमें अभी थोड़ा पानी हमें नहीं मिलाना है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसे स्पून से नहीं हाथ से मिक्स करेंगे तो बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाना है जितनी हमें ज़रूरत है। इस तरीके से एक डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटियों का करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम हल्का सा हाथों में ऑयल ले लेंगे और इसमें अच्छे से लगा लेना है अच्छे से, ताकि हमारी पूरियां जो है वो अच्छे से बन सके। और 2 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे। 2 मिनट हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। अब हम छोटी छोटी करके लुइया तोड़ लेंगे, बॉल्स बना लेंगे। इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से हमें हथेली की सहायता से, दोनों हाथों की सहायता से इसे इस तरीके से कर लेना है। पूरियां जितनी बड़ी बनानी है आपको, हिसाब से आप लुइया तोड़ के तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से हमें सारी लुइया बना लेनी है। अब हम यहाँ पे बेलन चौकी लेंगे। अब हम इसमें चौकी में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। इस तरीके से आप चाहे तो आटे से भी इसे बेल सकते हैं। इस तरीके से हम लुइया ले लेंगे और इसमें पूड़ी का शेप दे देंगे। अब हम इस तरीके से हमें पूड़ी का शेप दे देना है। इस तरीके से हमें पूरियां बना लेनी है। सारी पूरियों को इसी तरीके से हमें बना लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से सारी पूरियों को हम बना लेंगे। ऑयल हमने गरम करने रख दिया है, ऑयल हमारा जो है वो गरम हो रहा है। ऑयल हमारा यहाँ पे गरम हो चुका है। यहाँ पे हम हल्का सा आटा डाल के देखते हैं। देखिए, ऑयल बिल्कुल गरम हो चुका है। अब हम सारी पूरियों को ऑयल में डाल देना है। इस तरीके से गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है। इस तरीके से सारी पूरियों को डाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरियां हमारी कितनी अच्छे सुंदर तरीके से फूल रही है। देखिए, अब हम इसे पलटते जाएंगे, उलटते पलटते रहना है ताकि दोनों तरफ से हमारी पूरियां अच्छे से सिक जाए। अब हम इसे निकाल लेंगे और सारी पूरियों को इसी तरीके से हमें बना लेना है। आप भी इसे जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों, बच्चों को सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। देखिए, हमारी गर्मा गर्म पूरियां बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मटर और पालक का ऐसा नाश्ता आपने कभी नहीं खाया होगा। देखिए कितनी अच्छी स्वादिष्ट लाजवाब कुरकुरी बनके तैयार हुई है। देखिए, हम इसे आपको डिप करके दिखा देते हैं। देखिए कितने अच्छे से खस्ता बनके तैयार हुई है बिल्कुल। देखिए, तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।